They were very close now, but the ridge seemed to go on forever. Then, finally, unexpectedly, it flattened out. In Hillary's words, the last few whacks of the ice axe and a few weary steps, and they were on top. At 11:30, they stepped onto the roof of the world. So who were they, and what and where is the roof of the world? So आज के टाइम पे कोरोनावायरस, YouTube versus TikTok, क्वारंटीन, लॉकडाउन के अलावा एक चीज़ और ट्रेंडिंग में चल रही है, वो है आपका माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट ट्रेंडिंग पे इससे चल रहा है क्योंकि अभी अभी एक बीजिंग रन स्टेट एजेंसी है CGTN, उन्होंने ट्वीट किया है जो माउंट एवरेस्ट है वो चाइना का पार्ट है। चाइना ने पूरे वर्ल्ड को अभी कोरोनावायरस दिया है, चाइना अभी मतलब लद्दाख में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो चाइना ऑब्वियसली बाज आने वाला नहीं है। तो चाइना ने बोला चलो कोई नहीं, माउंट एवरेस्ट पे भी अपना क्लेम करते हैं। सो एक न्यूज़ तो ये होगी माउंट एवरेस्ट की। दूसरी न्यूज़ ये है कि जो ये सारा कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है, उस चक्कर में जो सारा एयर पोल्यूशन है वो बिल्कुल कम हो गया है, विजिबिलिटी बिल्कुल बढ़ गई है। इवन सहारनपुर से लोगों को हिमालय दिख रहा है, ठीक है। सो वैसे ही बिहार से और काठमांडू से, ऑब्वियसली बिहार तो ज़्यादा दूर है, लेकिन काठमांडू से और बिहार से भी माउंट एवरेस्ट को आज के टाइम पे लोग देख पा रहे हैं इतनी दूर से भी, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस लॉकडाउन, और जो भी विजिबिलिटी बिल्कुल एकदम से बढ़ गई है। ना आज मैं वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज टुडे इज़ फ्राइडे, ठीक है, एंड टुडे इज़ 29th of May। सो ऑन फ्राइडे 29th of May जो फर्स्ट सक्सेसफुल क्लाइंब हुआ था माउंट एवरेस्ट पे, वो किया था। एंड वो किसने किया था आपको शायद पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो यस, इट्स तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी। सो क्या यही दो थे? पक्का? चलो लेट्स गूगल इट। सो हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फर्स्ट आ गया। सो यहाँ पे साफ दिख रहा है एडमंड हिलेरी विकिपीडिया, फर्स्ट असेंडर्स एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊँ, हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फर्स्ट, इट्स सेइंग तेंजिंग नॉर्गे आफ्टर ईयर्स ऑफ ड्रीमिंग अबाउट इट एंड 7 weeks ऑफ क्लाइंबिंग, न्यूजीलैंडर एडमंड हिलेरी एंड नेपालीज तेंजिंग नॉर्गे रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, the highest mountain in the world at 11:30 AM on May 29, 1953। सो गूगल बाबा भी यही बता रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कुछ चीज़ कहीं मिलती नहीं तो हम गूगल में ही सर्च करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या केवल तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी ही थे के और कोई नहीं था क्या? क्योंकि जो मतलब मेरी मन में फर्स्ट माउंट एवरेस्ट मैंने कभी इसके बारे में सुना था वो तब मैं छोटा था, सेकंड या थर्ड में वो पढ़ता था। सो एग्जैक्टली वो चीज़ मुझे मिली नहीं, मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश करी। मेरे को याद है मैं छोटा था, मैं थर्ड या फोर्थ में होऊंगा, और हिंदी की बुक थी NCERT की, उसमें था हिलेरी एंड तेंजिंग या हिलेरी एंड नॉर्गे ऐसे करके एक चैप्टर था जिसमें बताया था कि दो लोग थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट सक्सेसफुल क्लाइम करी। और उसके हिसाब से मतलब एक ये पिक्चर मेरी बन के आती है कि ऐसे दो लोग होंगे, दिस इज़ एडमंड हिलेरी, दिस इज़ तेंजिंग नॉर्गे, कि इन दो लोगों ने मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। और अगर इससे भी सिंप्लीफाई किसी बच्चे की मैं और करूँ तो वो ये पिक्चर आएगी कि ऐसे माउंटेन है और ये दो लोग एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे जाके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं। अगर मैं इसके बारे में आगे और बात करूं, उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। ऑब्वियसली मैं नहीं पूछूंगा, किसी और को भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ना पूछने के लिए। सो लेट्स वीरू सहस्त्रबुद्धे आस्क दिस क्वेश्चन टू यू। मून पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रांग सर। ऑब्वियसली इट इज नील आर्मस्ट्रांग, वी ऑल नो इट, लेकिन दूसरा कौन था? डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। Nobody remembers the man who ever came second. Obviously, he's completely right here कि मतलब जो चांद पे पहला बंदा गया था वो obviously नील आर्मस्ट्रांग था। दूसरे का नाम तो किसी को पता भी नहीं है और कोई सोचता भी नहीं क्योंकि क्या कोई दूसरा होगा। हम सब अगर बचपन में पढ़ाया जाए कि who landed on the moon first and someone will say, your teacher will say or your parents will say it's Neil Armstrong, so हम सोचेंगे हाँ यार कोई एक बंदा गया होगा, लेकिन उसके साथ एक दूसरा बंदा भी था और एक तीसरा बंदा भी था। ऑब्वियसली तीसरा बंदा मून पे लैंड नहीं हुआ था, वो बस स्पेस क्राफ्ट में घूम रहा था कि नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन जो दूसरा बंदा था जो सेकंड आया था, सेकंड मतलब पैर रखा था, वो जब वापस आ जाएगा तो शटल लेके अर्थ पे वापस आ जाएंगे। सो ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी कमी इस चीज़ को कह लो या हमारे पढ़ाने के तरीके में इस चीज़ को कह लो। मैं इस वीडियो के थ्रू ये पॉइंट भी उठाना चाहता हूँ कि हमें हमेशा एक विनर को ही हम लोग बढ़ावा देते हैं या एक विनर के बारे में ही पढ़ते हैं, हम उन किसी लोगों को बारे में नहीं पढ़ते कि जिन्होंने एफर्ट्स कराया। एक पूरी टीम का ऑब्वियसली एफर्ट होता है ना, तो आप अपोलो 11 मिशन के बारे में पढ़िए, आपको पता लगेगा कैसा मिशन था। केवल नील आर्मस्ट्रांग या बज अल्ड्रिन
का ये फीट नहीं था, ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी टीम थी जिन्होंने ये फीट अचीव किया था। नाउ अब ऑब्वियसली अपोलो मिशन में तो मैं जाऊंगा नहीं, टुडे मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, मैंने ऐसे पहले भी बताया था कि 29 मई को फर्स्ट सक्सेसफुल क्लाइंब हुई थी, जो कि अभी तक हम जानते हैं कि तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड डिले ने की थी, लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी टीम, बहुत लोगों के एफर्ट्स हैं जो कि हम लोग हमेशा नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें बुक में, हमें गूगल में यही बताया जाता है कि केवल दो लोगों ने ही अचीव किया है। सो नाउ स्पीकिंग अबाउट द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लाइंब ऑन द एवरेस्ट ऑन 1953, सो एक पूरी ये 1953 ब्रिटिश एक्सपीडिशन की टीम थी जिस टीम ने ये ऑब्वियसली ये फीट हासिल किया था। एंड अगर मैं इस टीम की बात करूँ, सो ये 9th माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन था और इससे पहले सालों की मेहनत थी, तो केवल दो लोगों की ऑब्वियसली मेहनत नहीं थी। एंड इससे प्री वॉर एज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 7 बार ट्राई किया था लोगों ने, एंड ऑब्वियसली सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। सो 7 प्री वॉर एक्सपीडिशन हुए थे जो सबके सब ब्रिटिश ने किए थे। 1952 में स्विस की टीम भी गई थी एंड स्विस की टीम ब्रिटिशर्स की टीम से बहुत आगे पहुंच गई थी। जस्ट 800 मीटर नीचे थे वो माउंट एवरेस्ट से, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण वो लोग ऑब्वियसली चढ़ नहीं पाए और वो लोग वापस आए। एंड ब्रिटिशर्स को दोबारा मौका दिया गया 1953 में ये माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए। एंड जो टीम के लीडर थे वो थे जॉन हंट। तो इसमें केवल तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी ने अकेले जाके माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया है, इसमें एक पूरी टीम इन्वॉल्व थी जिसके लीडर थे जैसा मैंने बताया जॉन हंट। एंड टू बी प्रिसाइज और लोग जो थे वो थे चार्ल्स एवेंस, जॉर्ज बैंट, टॉम वुडलिन, एल्फ्रेड ग्रेगरी, विल्फ्रेड नॉइस, ग्रिफिथ पुक, टॉम स्टॉबर्ट, माइकल वार्ड, माइकल वेस्मकॉट, चार्ल्स वाइल, एडमंड हिलेरी, जॉर्ज लो, तेंजिंग नॉर्गे एंड शेरफा एनेलुलू। सो इनके साथ साथ इन जो भी ये क्लाइंबिंग टीम के मेंबर थे, दो न्यूजीलैंडर थे एडमंड हिलेरी एंड जॉर्ज लो, इसके अलावा आपका अराउंड 300 प्लस शेरपास थे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई हमारे पड़ोस का बीइंग फ्रॉम उत्तराखंड नैनीताल का कोई चीना पीक नहीं है कि कोई दो लोग चले गए या 10 लोग चले गए और आराम से चढ़ के वापस आ गए। ये बहुत अलग चीज़ होती है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है। एंड ऑब्वियसली यार हमें खुद सोचो कि एक वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक जिसका रास्ता तक अभी तक लोगों को पता नहीं है एंड वो टीम उसका रास्ता ढूंढते ढूंढते ऊपर तक जा रही है, तो कितने ज़्यादा सप्लाई उनको चाहिए होगी, थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ सप्लाईज इन सारे शेरपाज ने, सारे टीम के मेंबर ने मिलके ऊपर तक पहुँचाए हैं। एंड हम केवल दो लोगों को का नाम लेके इस सारी चीज़ों पे पानी फेर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। सो अगर मैं बात करूँ एक्सपीडिशन के बारे में थोड़ा बहुत, सो तो जॉन हंट और उनकी टीम थी जिसमें एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नॉर्गे और बाकी सब लोग थे, वो काठमांडू में मार्च में आए थे और मार्च से उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। एंड रास्ता ढूंढते ढूंढते, ये आपको एक मैप दिख रहा होगा अपने सामने माउंट एवरेस्ट का, इसमें देखिए कुंबू आइसफॉल है, तो कुंबू आइसफॉल को क्रॉस करते करते उन लोगों को मिड अप्रैल हो गया था। एंड देन उन्होंने अपने कैंप्स लगाए अलग अलग जगह, कैंप 1, कैंप 2। एंड ये लोग करते क्या थे, कैंप 1 सेट करते थे, ठीक है, दो जने आगे जाते के रास्ता ढूंढते थे जहाँ उनको सही लगता था यहाँ कैंप सेट कर सकते हैं, वहाँ कैंप सेट करते थे। एंड जो बाकी शेरपाज है वो उनका पूरा सामान लेके आगे बढ़ते रहते थे। ऐसा करते करते कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 तक सब लोग गए थोड़ी थोड़ी सप्लाई पहुँच के। दैन उसके बाद इन्होंने बोला, इन्होंने दो टीम सेलेक्ट करी, जो फर्स्ट टीम जो कि माउंट एवरेस्ट पे अपना असेंड मारेगी, ऑब्वियसली सब लोग माउंट एवरेस्ट पे नहीं गए, केवल दो लोगों को जाना था, वो थी आपकी चार्ल्स एवन और टॉम वुडलिन। ये दो लोगों की टीम थी जिनको बोला गया कि आप लोग जाओ, अगर आप लोग फेल होते हो तो देन तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी को बोला गया, देन उसके बाद आप लोग जाना। सो जब चार्ल्स एवन और टॉम वुडलिन गए ऊपर टॉप की तरफ, तो सेम वो लोग भी अप्रॉक्सीमेटली 800 फीट नीचे होंगे आपके एवरेस्ट से, और उनके पास भी ऑक्सीजन की कमी हो गई। उन्होंने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को चेक किया और उन्होंने देखा कि उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में उतनी ही ऑक्सीजन है जितने में वो टॉप पे जा सकते हैं। तो टॉप पे जैसे ही पहुंच जाएंगे, ऑब्वियसली सबसे डेंजर जोन जो है वो टॉप है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के टॉप में ही ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज़्यादा कम है। एंड जैसे ही वो सबसे टॉप पे पहुंचेंगे, उनकी ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी एंड वहाँ से एक वापस आना बहुत ही मुश्किल है। सो ये एक एवरेस्ट का सक्सेसफुल क्लाइंब होने की जगह एक रेस्क्यू मिशन ज़्यादा हो जाएगा और ये पूरा फेल हो जाएगा इनका। सो इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, हम वापस चलते हैं। जब ये लोग वापस आए, उसके बाद मौका दिया, उसके बाद इन्होंने तेंजिंग और हिलेरी को बोला कि आप लोग जाओ, और रास्ते में हमने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर वापसी में छोड़े हुए हैं, सो उनको आप यूज़ कर सकते हो। सो तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी गए, उन्होंने एक फाइनल, जब कैंप 4 के बाद ये लोग गए, एक बहुत खतरनाक सी रिज आई थी और उस रिज को हिलेरी ने पहले क्रॉस किया था, देन तेंजिंग को खींचा था, एंड इसीलिए उस रिज का नाम आज भी हिलेरी स्टेप है। सो फाइनली ऑन 29th मई 1953 11:30 AM को फर्स्ट बार किसी ह्यूमन ने अपना
पैर रखा और वो थे तेंजिंग नॉर्गे एडमंड हिलेरी। एंड वहाँ पहुँचते ही तेंजिंग नॉर्गे ने बर्फ में थोड़ा सा खोदा एंड वहाँ पे स्वीट्स रखी, ऑफर करा गॉड को। एंड जो एडमंड हिलेरी है उन्होंने एक क्रॉस जो कि जॉन हंटर ने दिया, उन्होंने वो क्रॉस को वहाँ पे दबाया। नाउ ये तो था कि कैसे 1953 ब्रिटिश एक्सपीडिशन टीम ने पूरा माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइम करा। सो मेरा पॉइंट अगेन यही है कि हमें एक इंडिविजुअल पे नहीं करना चाहिए कि इस इंडिविजुअल ने वो फीच अचीव करा है। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, हमेशा टीम वर्क ही है जो किसी भी चीज़ को अचीव करती है। कोई भी इंडिविजुअल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक वर्ल्ड के हाइस्ट पीक को अकेले जाके या दो जने जाके दस जने जाके अचीव कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट टूडेज चैलेंज, आपने देखा होगा 2019 मई में एक बहुत ही शॉकिंग पिक्चर आई थी जिस पिक्चर में ये दिखाया था कि मतलब खतरनाक ट्रैफिक जाम हो रखा है पूरे माउंट एवरेस्ट पे, लोगों को हिलने की जगह नहीं है। मतलब ऐसा ट्रैफिक जाम तो नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है जितना ट्रैफिक जाम एवरेस्ट पे था। सो एंड ऑल्सो इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं जो लैंडमार्क की तरह यूज़ होती है। सो अबाउट 50 टन्स ऑफ ह्यूमन ट्रैश जो भी टेंट अगर छोड़ दिया, पॉलीथीन अगर छोड़ दिया, यहाँ पूरे माउंट एवरेस्ट पे पड़ा हुआ है। 26,000 टन ऑफ ह्यूमन वेस्ट माउंट एवरेस्ट पे पड़ा हुआ है। मतलब ह्यूमंस वही है ना, जहाँ भी ह्यूमंस को भेज दो वहाँ तो ऑब्वियसली गंदा करके आएंगे ही। सो इतनी दर्दनाक आज की डेट में माउंट एवरेस्ट की हालत हो चुकी है। इवन K2 जो कि सेकंड हाईएस्ट समिट है, वो इवन उसका जो टेरेन है वो माउंट एवरेस्ट से भी टफ है। लेकिन ऑब्वियसली K2 कोई क्यों जाएगा, क्योंकि सबको तो ये दिखाना है कि हमने तो हाईएस्ट पीक पे हम गए हैं। सो K2 अभी बचा हुआ है, K2 में अभी इतने लोग जाते नहीं है। सो माउंट एवरेस्ट की हालत आज के दिन में बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो जो सीजन टाइम चल रहा है इसमें जो नेपालीज गवर्नमेंट है वो 35 से 40 एक्सपीडिशन को ओके बोलती कि हाँ आप लोग जा सकते हो। अब आप सोचो अगर एक एक्सपीडिशन में अगर 100 लोग भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके साथ उनका सामान होगा, 20-30 मेंबर होंगे, एज आई सेड कि टन्स ऑफ सप्लाई भेजनी पड़ती है ऊपर, तो कितना ज़्यादा रश और कितना ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड वहाँ पे सबसे मेन चीज़ है ऑक्सीजन। अगर आपको एक मिनट के लिए भी ऐसा फील होगा कि ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, फ्रॉस्ट बाइट है और स्नो की वजह से इतनी वाइट स्नो होती है कि आप ब्लाइंड हो जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ ऑब्वियसली अगर माउंट एवरेस्ट पे आज के दिन जाएगी सो ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। सो इसके अलावा आई थिंक नेपालीज गवर्नमेंट को एंड और भी जो एजेंसी है उनको ध्यान में रखना चाहिए कि वो केवल स्किल्ड लोगों को और केवल एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नंबर को ही अलाउ करें कि आप माउंट एवरेस्ट जा सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में ऐसा है कि हाँ मेरे पास अगर पैसा है और मैं बोलूँगा हाँ मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो मेरे को कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, कोई मेरी फिजिकल फिटनेस ही दिखेगा। ऑब्वियसली सबको तो पैसा कमाना है तो बोल देंगे कि ठीक है जाओ आप माउंट एवरेस्ट चढ़ो, उसके बाद कोई बंदा मरे कोई बंदा जिए उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे ये नेचर का नुकसान है, ये एक इंडिविजुअल का नुकसान नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप थोड़ा सोसाइटी में चेंज आना चाहिए हमारे इस चीज़ को लेके कि केवल फर्स्ट आने को या जिसने फर्स्ट टाइम वो अचीव किया है उसको हम याद रखें। एज आई सेड इट्स ऑलवेज अ टीम गेम, टीम का मिशन होता है, चाहे वो अपोलो 11 हो चाहे वो 1953 ब्रिटिश एक्सपीडिशन टीम हो। सो इट्स ऑलवेज द टीम दैट विल विन। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय बाय।